नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ओडिशाज ब्रांड न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओडिशा ई क्लासेस। आज आम जानिबा अकाउंटिंग क्या कहते, अकाउंटिंग मेरिट्स डिमेरिट्स नीड ऑफ अकाउंटिंग एटसेट्रा। एबे आम जानिबा जे अकाउंटिंग क्या कहते। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। रियल लाइफ रे जेमिति आमे निजर थॉट्स को कम्युनिकेट करिवा लागि डिफरेंट लैंग्वेजेस रो यूज करू, ओडिया हिंदी इंग्लिश, सेमिति बिजनेस तार प्रॉफिटेबिलिटी को तार यूजर्स मान को पाख को पहुँचवा लागि ता विषय रे इनफॉर्मेशन सी गोटे लैंग्वेज रो यूज करे जिए कि अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हला डबल एंट्री सिस्टम उपरे बेस्ड जोटा कि डेवलप कराइला लुका पासियोलिंग द्वारा, जिए कि 1494 डबल एंट्री रो प्रिंसिपल्स को डेवलप करी थिले। ही वाज फ्रॉम वेनिस इटली। तो सेथि पई लुका पासियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग बोली कहा जाए। एबे आमे जानिबा नीड ऑफ अकाउंटिंग विषय, अकाउंटिंग रो इवोल्यूशन हेला कौन पाई, अकाउंटिंग कौन पाई दरकार। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू डिटरमाइन द एक्यूरेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट बा लॉस। Second is to find out the financial position of the business. धरनियो गोटे बिजनेस हला स्टार्ट कला, गोटे बिजनेसमैन फर्स्ट आनिला मिल्क 100 रुपीज रे, ताकु से कन्वर्ट कला स्वीट्स को। प्रत्येक स्वीट को से बिक्री कला 5 टंका रे, एमिति से टोटल पूरा वर्ष सारा करिला। तो वर्ष एंड रे तार एक्चुअली रे प्रॉफिट हैला कि लॉस हैला सेटे से जानिबो केमिति, ता पई से यूज करे अकाउंटिंग। देन फिनान्शियल पोजिशन, फिनान्शियल पोजिशन रिप्रेजेंट करे कि गोटे भलो बिजनेस कि गोटे खराब बिजनेस। फिनान्शियल पोजिशन को मेजर करिबा लागि गोटे टूल अछि जोटा कि बैलेंस शीट। सेमिति प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करिबा लागि गोटे टूल अच्छी जहाँ को कहा जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबे हमें अकाउंटिंग विषय टिके डिटेल्स रे जानिबा। अकाउंटिंग रो डिटेल डेफिनेशन हला, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड analyzing and interpreting the financial information and communicating the results to the various users. Recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting egura hala different steps jota ki accounting use kare gote financial information ko process kariba lage. Pratyek step mai pratyek alga alga tool sabu achi, jemti ki recording pai यूज हुए जर्नल, सिमिलरली क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग पाई यूज हुए लेजर, समराइजिंग समराइजिंग
समराइजिंग पे यूज हबो ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन पाई एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पाई यूज हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपेरेटिव स्टेटमेंट एटसेट्रा। किंतु आम कोर्स रे एई तीनटा ही स्टेप अछि रेकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सो आम डील करिबा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एबे आम प्रति स्टेप को डिटेल्स रे बुझिबा। फर्स्ट हला रेकॉर्डिंग सबू टाइप रो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से सेल हो परचेज हो डेब्ट हो बा एनीथिंग सबु गुड़ाक आणिक आम रेकर्ड करवा जर्नल रे। एबे गोटे आम एग्जांपल नबा जमती कि आम मार्केट को वेजिटेबल्स किनिया पई जाऊ आलू हो बैगन हो जहाँ भी हो फास्ट तापर घर को आसी सारा पर फास्ट तो आम गोटे झोलार नहीं जाइ सबूरक पर गोटे जगार मिसेक आनी थाऊपर नेक्स्ट घर को आसी सारापर आम अलग अलग करूँ गोटे जगार आलू गोटे जगार पिज गोटे जगार बैगण जहाँ भी सबू सेमती टाइप बिजनेस रे भी फास्ट जिते भी प्रकार फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम सेल्स हो परचेज हो जहाँ भी सबू आम गोटे जगार एंट्री करवा जोटा कि है जर्नल। तापर पुणी ताकू जिते आम क्लासीफाई करवा माने सबू ट्रांजेक्शन को अलग अलग करवा सेल को गोटे जगह को नहीं जीवा परचेज को गोटे जगह को नहीं जीवा डेटर्स को गोटे जगह को नहीं जीवा सेतेबेले आम क्लासीफाई करवा कहा थ्रू रे लेजर थ्रू रे। लेजर रे आम सबू ट्रांजेक्शन को अलग अलग जगार डिफरेन्ट प्लेसेस रे तांको रखिदबा। तापर हम समराइजिंग समराइजिंग कौन आम जहाँ भी सब अमाउंट रेकर्ड करके रखिले जर्नल आउ लेजर रे आमर कैलकुलेशन है ठीक अच्छे ना आम जानवा केमी गोटे टूल अच्छी जोटा कि है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस द्वारा आम जापर जे आमर जो कैलकुलेशन आम करे सेल पाई परचेज पाई लोन पाई बैंक ट्रांजेक्शन्स पाई एनीथिंग सेटा ठीक अच्छे कि भूल अच्छे। तापर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे आम जापर जे आमर जिते भी सब बिजनेस ट्रांजेक्शन आम कले पूरा वर्ष सारा से आमको प्रॉफिट हैला कि लॉस हैला सही हिसाब रे आमे पुणी डिफरेंट ट्रांजेक्शन करिबा माने आम मैनेजमेंट सही हिसाब रे डिसीजन मेकिंग करिबो कि आमको कोथरे कमी रहिला जे सेटा को इम्प्रूव करिबार अछि सेमती टाइप रो। देन बैलेंस शीट रे कौन करिबा बैलेंस शीट रे आमे डिफरेंट एसेट्स आउ लायबिलिटीज एगुडा सब रेकर्ड करबा जोथरे कि फाइनेंशियल पोजीशन को आमे शो करी परिबा। प्रत्येक स्टेप रे प्रत्येक चैप्टर अच्छे जहाँ को आम डिटेल्स रे नेक्स्ट वीडियोस रे जानिबा। एबे आम जानिबा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग विषय रे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रेकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रे कौन हम ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आम रेकॉर्ड करवा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या कहु प्रत्येक ट्रांजेक्शन जोटा कि मनी रे कन्वर्ट करा जाई परिबो द ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो फर्स्ट स्टेप रे आमे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रेकॉर्ड करिबा कोथरे ना जर्नल रे। देन सेकेंड इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। थ्रू आउट ईयर रे आमे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कंडक्ट कले तार रिजल्ट प्रॉफिट रे हला कि लॉस रे हला ताकु फाइंड आउट करिबा लागि आमे कौन करिबा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करिबा। देन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन कौन
ना गोटे पर्टिकुलर डेट रे गोटे माने टोटल ईयर डेज के 365 डेज ता भीतर गोटे पर्टिकुलर दिन रे बिजनेस पाखर केते एसेट्स थिला आउ केते लायबिलिटीज थिला सेटा जानिबा लागि हला यूज करा जाय बैलेंस शीट। तो तार गोटे ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग रो गोटे ऑब्जेक्टिव हला कोन ना डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन माने गोटे पर्टिकुलर डेट रे बिजनेस पाखरे टोटल केते एसेट्स अछि आउ केते लायबिलिटीज अछि सेटा को कहा जाय फाइनेंशियल पोजीशन। सो फर्स्ट आमे जानिबा एसेट्स का को कहंती एंड देन लायबिलिटीज का को कहंती। एसेट्स का को कहंती ना एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस कौन जो प्रॉपर्टीज को आम यूज करके बिजनेस किसी भी इनकम बा प्रॉफिट अर्न करपरिया जोटा कि बिजनेस यूजफुल थी किसी भी जिनस कह आम एसेट्स। एसेट्स रो एग्जांपल कौन कैश कैश मान कि मनी जोटा कि आम पाखे अच्छी देन बिल्डिंग जो थे कि बिजनेस ऑपरेशन आम करूचे मशीनरी एटसेट्रा। देन आम जानवा लायबिलिटीज लायबिलिटीज है जोटा कि आम आउटसाइडर को दबा एग्जांपल ऑफ लायबिलिटीज आर क्रेडिटर्स माने जहाँ पाखु आम उधारी रु सामान आने बैंक लोन बैंक थारु आम जदि बैंक थारु जदि आम लोन आनीचे ताने आम इंटरेस्ट सहित बैंक को पुणी आउथरे दबा। तो आम कौन बैंक बैंक आम पाई थर्ड पार्टी बैंक को आम दौचे तो सेटा आमर गोटे लायबिलिटीज। देन फोर्थ पॉइंट दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज असिस्टिंग द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तार डिसीजन मेकिंग केमिति करिवो तार बिजनेस रे केमिति प्रॉफिट होउची बा लॉस जदि होउची काहेकि लॉस होउची ताकु सही इनफॉरमेशन को नहीं कि तो सी तार डिसीजन मेकिंग करिवो ना। तो सही थी पाई अकाउंटिंग इज वेरी क्वाइट यूजफुल काहेकि ना सीए बिजनेस रो एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करे एट द ईयर एंड। देन कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इनफॉरमेशन टू यूजर्स आम बिजनेस रे पोजिशन कौन माने बिजनेस भल प्रॉफिट करुची कि बहुत लॉस करुची सेटा आम केमती जानिबा ना डिफरेंट यूजर्स को इनफॉरमेशन देला पर डिफरेंट यूजर्स इन द सेंस इन्वेस्टर्स एम्प्लॉइज जनरल पब्लिक गोटे पर्टिकुलर ब्रांड धरिनियो कोलगेट ताकु लोक एते कौन पई पसंद करंती काने तार ऑलरेडी रेपुटेशन अछि मार्केट रे सेइदि पई ताकु लोक बहुत पसंद करंती। तो जनरल पब्लिक इज अ काइंड ऑफ यूजर्स which needs the accounting information for a business. Then protecting business assets. Business ro jete bhi sabu assets dhariniyo building machine cash aa upare different accounts sabu taiyari kara jaye jouthre ki ta related sabu information thai to sethre kon loss hela कि कौन एक्स्ट्रा ता देहरे एडिशन हैला सेटा सब जानिबा पई हेल्पफुल वे। तो सही पाई बिजनेस रो एसेट्स को भी अकाउंटिंग प्रोटेक्ट कर। एबे जानिबा मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग विषय रे फर्स्ट मेरिट कौन ना फाइनेंशियल इनफॉरमेशन अबाउट बिजनेस गोटे बिजनेस फाइनेंशियली साउंड कि नुहे फाइनेंशियली साउंड माने कौन तार प्रॉफिट भलसे होउचि कि नुहे ता विषय रे इनफॉरमेशन जानिया पई अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल करे। तो सही पाई फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इनफॉरमेशन अबाउट बिजनेस। देन सेकंड इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तार जो भी प्लानिंग करे निज बिजनेस पाई सी तार अकाउंटिंग उपरे बेसिस करके ही करे तो तापाई हेल्पफुल है कौन ना अकाउंटिंग प्रॉपर स्टेप्स कौटी भूल होती ठीक हो विषय इनफॉरमेशन प्रोवाइड करे अकाउंटिंग। देन रिप्लेसेस मेमोरी जेहेतु सबू ट्रांजेक्शन आम रेकर्डेड करके रखिले तो आमको प्रत्येक ट्रांजेक्शन को मन रखापी दरकार नाई जे आम एति टकर
जिनस बिक्री करचे टकर जिन किटा मन रखापे दरकार ना आम जेहेतु रेकर्डेड करके रखुचे सो अकाउंटिंग रिप्लेसेस आवर मेमोरी देन फोर्थ वन इज फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी आम बैलेंस शीट सबू इयर बनाऊ तो से गोटे इयर बैलेंस शीट को आउ गोटे इयर बैलेंस शीट सांगे कंपेयर जमी आराम से कर अकाउंटिंग रे आउ एमती भी आम गोटे फर्म गोटे बिजनेस रो बैलेंस शीट को आउ गोटे बिजनेस रो बैलेंस शीट सांगे कंपेयर भी करहब थ्रू अकाउंटिंग तो से कंपेरेटिव स्टडी को फैसिलिटेट्स करे अकाउंटिंग देन फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू असिस्टेंस टू मैनेजमेंट बिजनेस रो जो भी डिसीजन मेकिंग करा जाए अकाउंटिंग इनफॉरमेशन ऊपर बेस्ड करके ही करा जाए देन फैसिलिटेट्स लोन्स बैंक है को कंपनी बा बिजनेस को लोन दब जार भल प्रॉफिट होची जार कैपेबिलिटी अच्छी कि से बिजनेस लोन जो नेला आउ थे जमती रिटर्न भी कर प्रॉपर इंटरेस्ट सहित तो से अकाउंटिंग इनफॉरमेशन इज क्वाइट यूजफुल इन फैसिलिटेटिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक लास्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज अकाउंटिंग इनफॉरमेशन आउ बिजनेस रो प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर बेस्ड करके ही गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करे गोटे बिजनेस ऊपर सो इट इज दैट इज अकाउंटिंग इज वेरी हेल्पफुल इन सेटलिंग द टैक्स लायबिलिटीज ऑल्सो एबे आमे जानिबा अकाउंटिंग रो डिमेरिट्स विषय सबु जिनस रो मेरिट्स डिमेरिट्स बहुत अच्छे सेमिती अकाउंटिंग रो भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दुईटा जाक अच्छे फर्स्ट डिमेरिट ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट अकाउंटिंग रे जो भी कैलकुलेशन करा जाए सबुबले सबु एग्जैक्ट केबे हेइ न थाए किछि एस्टिमेशन भी आमे नी जेमती कि डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन गोटे टर्म जहाँ माने कि जदि धरनियो फर्स्ट आमे गोटे मशीनरी किणी के आनले सही मशीनरी को जदि वर्षे परे बिकिबा सही दाम रे केबे बिकिबा कि ताठू कम बिकिबा तो जत्ते कम अमाउंट आमे बिकिले सही अमाउंट हैला डेप्रिसिएशन जोटा कि एग्जैक्ट केबे भी हेइ न थाए आमे ताकु एस्टिमेट करे तो सही अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट व्हिच इज अ डिमेरिट ऑफ अकाउंटिंग देन सेकेंड वन इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स अकाउंटिंग मेजर कहा को करि परबो जोटा कि क्वांटिटेटिव टर्म्स रे एक्सप्रेस होतबो क्वालिटी ऑफ स्टाफ माने कि स्टाफ माने ठीक से काम करुचंती कि नाही एसबु जिनस केबे भी अकाउंटिंग मेजर करि परबो नै तो सेहिते पई ये आरो अकाउंटिंग रो गोटे डिमेरिट जे ये केबे भी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को मेजर करि परबो नै देन थर्ड पॉइंट इज इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस मनी रो वैल्यू केबे भी सेम न थाए बढ़े बा कमे कंपेयर टू डॉलर किंतु अकाउंटिंग कौन करे ना हिस्ट्रिकल कॉस्ट ऊपर ही सब जिनस रेकॉर्ड करे तो सही पाई अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करे व्हिच इज ऑल्सो अ डिमेरिट ऑफ अकाउंटिंग देन लास्ट वन इज विंडो ड्रेसिंग कौन ना अकाउंटिंग इनफॉरमेशन को आम मैनिपुलेट कर पारिबा धरनियो आमे किणीचे 10,000 सामान किंतु मु चाहिले जदि धरनियो मु अकाउंटेंट मु चाहिले ताकु 9,000 रे एंट्री करि परिमि विंडो ड्रेसिंग माने मैनिपुलेशन आमे चाहिले अकाउंटिंग इनफॉरमेशन को मैनिपुलेट करि परिबा तो सेहिति पई अकाउंटिंग रो विंडो ड्रेसिंग हला गोटे डिमेरिट्स सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नेक्स्ट क्लास रे आमे जानिबा अकाउंटिंग एज एन इनफॉरमेशन सिस्टम एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग विषय रे You can mention your doubts in the comment section so that in next video we can clarify your doubts. Thank you.